नमस्कार दोस्तों, आईब्लैंड के यूट्यूब चैनल आईब्लैंड नॉलेज एंड न्यूज़ पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शुभव्रत मल्लिक। आईब्लैंड ने ऑलरेडी जो वीडियो अपलोड किया है उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो आपको एनएससी बीएससी का हिस्ट्री बेसिक इंट्रोडक्शन के बारे में पता चलेगा, निफ्टी 50 के बारे में पता चलेगा, जहाँ पर आपको निफ्टी में हुए हर एक सेक्टर उसका वेटेज, सेक्टर के अंदर का स्टॉक उसका वेटेज के बारे में पता चलेगा। आज से हम लोग बेसिक रिसर्च के बारे में बात करेंगे। बेसिक रिसर्च के अंदर टेक्निकल और फंडामेंटल दो तरह के रिसर्च होते हैं। पहले वीडियो में हम लोग बताए थे, अगर आप वो वीडियो मिस कर गए हैं तो कोई बात नहीं, ये वीडियो से आप देखना चालू कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और एक दोस्तों आप लोग बता दें, दोस्तों ये यूट्यूब चैनल तो कोई एंटरटेनमेंट चैनल नहीं है, एडुकेशन रिलेटेड चैनल है। तो हो सकता है कि इनिशियल डेज में कोई कोई वीडियो आपको थोड़ा बोरिंग लगे, पर बोर मत होइएगा दोस्तों, हर एक वीडियो का अंत तक देखिए, बहुत नॉलेज रिलेटेड वीडियो आपको मिलेगा ये चैनल पे। जो नॉलेज आपको आज के दिन में अगर हो सकता है कि आपको लगे कि ना ये नॉलेज तो मेरा काम का नहीं है, पर ये मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि ये नॉलेज आपको काम पे आएगा, क्योंकि कभी ना कभी किसी न किसी को शेयर मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट होता है, और अगर आपको शेयर मार्केट के ऊपर इंटरेस्ट है तो आपको ये वीडियो देखना ही पड़ेगा। क्योंकि जैसे हम लोग एक दिन में बीटेक, एमटेक, एमबीबीएस या फिर ग्रेजुएट नहीं हो जाते हैं, इसके लिए हम लोग को 3 साल 4 साल 5 साल देना पड़ता है। तो अगर आप स्टॉक मार्केट पे सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो इस पर भी आपको टाइम देना पड़ेगा। दोस्तों कभी कभार हम लोग लाखों रुपया खर्च कर देते हैं इंस्टीट्यूट पे जाके ये सब नॉलेज लेने के लिए। इंस्टीट्यूट पे तो आपको जाना ही पड़ेगा दोस्तों, पर इंस्टीट्यूट में जाने के पहले अगर बेसिक नॉलेज आप लोग ये वीडियो से ले लेंगे तो वो जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे जाने के बाद आप वो नॉलेज का पूरा यूटिलाइज कर पाएंगे। तो वीडियो ज़्यादा वक्त ना बिताते हुए मेन टॉपिक पे जाते हैं। आज का हम लोग का टॉपिक है बेसिक टेक्निकल। तो दोस्तों अगर बेसिक रिसर्च का बात करें, रिसर्च बेसिकली स्टॉक मार्केट में दो तरह के होते हैं, एक है फंडामेंटल रिसर्च और एक है बेसिक टेक्निकल। फंडामेंटल जो रिसर्च है उसमें आपको बैलेंस शीट, उस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस, मैनेजमेंट, उसका रेशियो, वो सब देख के वो पर्टिकुलर कंपनी अंडर वैल्यूड है या फिर ओवर वैल्यूड है, ये आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद ही आपको देखना पड़ेगा कि वो उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, उसका एक्चुअल वैल्यू वो इंट्रेंसिक वैल्यू के नीचे चल रहा है कि ऊपर चल रहा है। अगर नीचे चल रहा है तो वो स्टॉक को आप खरीद सकते हैं, और अगर ऊपर चल रहा है तो वो ओवर वैल्यू, उसको हम बाय नहीं कर सकते। ये हो गया फंडामेंटल। बाद में हम लोग फंडामेंटल के ऊपर, बेसिक फंडामेंटल के ऊपर हर एक वीडियो बनाएंगे, पर आज हम लोग बात करेंगे बेसिक टेक्निकल को लेकर। टेक्निकल का अगर बात करें तो टेक्निकल पे हम लोग डिमांड, सप्लाई, ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम और प्राइस को देख के ये सिलेक्ट करते हैं कि वो स्टॉक बाय करना है या फिर सेल करना है। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं कि बेसिक टेक्निकल पे कुछ बेसिक चीजें। अगर बेसिक टेक्निकल पे देखा जाए तो मार्केट तीन तरीके के होते हैं। एक होता है अपवर्ड या फिर अप ट्रेंड मार्केट, जहां पे प्राइस कंटिन्यूअस ऊपर की तरफ जाता है, हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए। यहाँ पे देखिए प्राइस यहाँ से शुरू किया, यहाँ तक हाई बनने के बाद जब नीचे पे आया तो पिछला लो को बिना तोड़ते हुए यहाँ पे और एक लो बनाया, और वहां से जब फिर से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू किया तो उसके आगे का जो हाई था उसको तोड़ दिया, तो हायर टॉप और हायर बॉटम बना रहा है। तो ये जो हायर टॉप और हायर बॉटम बनना है, ये हो गया अप ट्रेंड मार्केट का एक क्राइटेरिया। तो अप ट्रेंड मार्केट पे जो लोग हिस्सा लेता है उनको हम लोग बोलते हैं बुल। इसीलिए अप ट्रेंड मार्केट को हम लोग बुलिश मार्केट भी बोल सकते हैं, जहां पे प्राइस लगातार ऊपर की तरफ जाता है पिछले वाला हाई को तोड़ते हुए और पिछले वाला लो को ना तोड़ते हुए। ये हो गया हम लोगों का बुलिश मार्केट या फिर अप ट्रेंड। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों डाउन ट्रेंड। जब मार्केट नीचे की तरफ लगातार गिरता है, ऊपर का जो हाई बना हुआ है वो हाई को ना तोड़ते हुए
नीचे का जो लो है वो तोड़ते हुए अगर नीचे की तरफ प्राइस आता है तो वो मार्केट को हम लोग बोलते हैं डाउन ट्रेंड मार्केट, जहाँ पे हम लोग को नया लो मिलता है पर पिछला वाला हाई इंटैक्ट रह जाता है। ये हो गया डाउन ट्रेंड मार्केट। डाउन ट्रेंड मार्केट पे जो लोग हिस्सा लेते हैं उन लोग को हम लोग बोलते हैं बियरिश, इसीलिए बियर इसी कारण डाउन ट्रेंड मार्केट को हम लोग बियरिश मार्केट भी बोलते हैं। और ये दो मार्केट के अलावा और एक मार्केट होते हैं जो है रेंज बाउंड या फिर डायरेक्शन लेस मार्केट, जहाँ पे प्राइस का कोई डायरेक्शन नहीं होता है। ये मार्केट हम लोग को देखने को मिलता है बहुत ज्यादा फॉल के बाद या फिर बहुत ज्यादा राइज के बाद। ये एक डायरेक्शन लेस मार्केट है, इसके बाद मार्केट फिर से एक डायरेक्शन लेता है, आइदर वो डायरेक्शन आपकी तरफ भी हो सकता है या फिर डाउन की तरफ भी हो सकता है। ये मार्केट को हम लोग रेंज बाउंड मार्केट, चॉपी मार्केट या फिर डायरेक्शन लेस मार्केट भी बोलते हैं। ये तीनों मार्केट का जो क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया है अप ट्रेंड का जो क्राइटेरिया वो है हायर टॉप हायर बॉटम, डाउन ट्रेंड का जो क्राइटेरिया है वो है लोअर टॉप लोअर बॉटम, और इसका क्राइटेरिया है प्राइस जो एक रेंज एक हाई और लो मान लेते हैं उसके अंदर ही प्राइस ऊपर और नीचे की तरफ जाता है, यहाँ पे कोई नया लो या फिर नया हाई नहीं बन पाता है। तो ये हो गया हम लोग का टेक्निकल का जो बेसिक अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड और रेंज बाउंड मार्केट, उस पर हिस्सा लेने वाला अप ट्रेंड पे जो हिस्सा लेते हैं उनको हम लोग बुलिश बोलते हैं, बुल बोलते हैं, जो डाउन ट्रेंड पे हिस्सा लेते हैं उन लोग को हम बियर बोलते हैं, और इस पे ज्यादातर लोग बहुत ज्यादा डायरेक्शन लेस होने के कारण कोई ठीक ठाक डिसीजन नहीं ले पाते हैं, इसीलिए बहुत सारे ट्रेड यहाँ पे बंद रहता है। लोग सोचते हैं कि जब प्राइस ये डायरेक्शन को तोड़ते हुए जिस तरफ जाएगा उसी तरफ पे वो लोग फिर से ट्रेड करेंगे। तो दोस्तों अगर ये तीनों ट्रेंड को एक साथ देखा जाए तो देखने में ऐसा रहेगा, जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है अप ट्रेंड, ऊपर के जाने के बाद मार्केट का डायरेक्शन लेस हो रहा है रेंज बाउंड, उसके बाद ये डायरेक्शन को तोड़ते हुए मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है डाउन ट्रेंड। जब मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है देखिए हायर टॉप हायर बॉटम करते हुए जा रहा है, यहाँ पे कोई नया टॉप या फिर नया बॉटम नहीं बन पा रहा है, और जब गिर रहा है तो नया लो बन रहा है नया हाई नहीं बन पा रहा है, इसको हम लोग डाउन ट्रेंड, ऊपर जाने वाला मार्केट को अप ट्रेंड, और जहाँ पे मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं है उसको रेंज बाउंड बोलेंगे। अप ट्रेंड में हिस्सा लेने वाले लोगों को हम लोग बुलिश, डाउन ट्रेंड पे बियरिश बोलेंगे। अब देखते हैं कब एक स्टॉक का प्राइस और क्यों एक स्टॉक का प्राइस ऊपर में जाता है और क्यों एक स्टॉक का प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ आता है। तो दोस्तों देखिए जब कोई भी शेयर का डिमांड बढ़ जाता है या फिर उसका जो सप्लाई है जब घट जाता है तब वहां से एक अप ट्रेंड का शुरुआत होता है, और अप ट्रेंड का मतलब है हायर टॉप हायर बॉटम। और जब कोई शेयर का डिमांड घट जाता है या और नहीं तो सप्लाई अगर बढ़ जाता है तो वहां से ही शुरू होता है डाउन ट्रेंड या फिर लोअर टॉप लोअर बॉटम। तो चार्ट के माध्यम से कुछ स्टैटिस्टिकल डेटा को एनालिसिस करते हुए हम लोग को टेक्निकल ये बताता है कि कहाँ से डिमांड आने वाला है और कहाँ से सप्लाई आने वाला है। टेक्निकल के भाषा में डिमांड जोन को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं और सप्लाई जोन को रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों इनिशियल डेज में रेंज बाउंड जो मार्केट होता है वहां पे आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखने में बहुत सुविधा होगा। जैसे देखिए हमें यहाँ पे दिखाया गया है जहां से प्राइस बार बार आके बाउंस बैक हो रहा है ऊपर की तरफ वो लेवल को मैंने सपोर्ट बताया है, यानी कि ये लेवल पे आने के बाद बार बार डिमांड बढ़ जा रहा है, और ये जो लेवल जहां से प्राइस नीचे की तरफ आ रहा है प्राइस का रिजेक्शन आ रहा है वो लेवल पे जाने के बाद सप्लाई बढ़ रहा है।
तो जिस लेवल पे सप्लाई बढ़ रहा है उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं, जहां से प्राइस नीचे की तरफ आता है, और जिस लेवल से डिमांड बढ़ जाता है वो लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, जहां से प्राइस ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देता है। तो दोस्तों अगर पूरा चीज को एक बार रिपीट कर लें, जहां से डिमांड बढ़ता है या सप्लाई घटता है वहां से प्राइस का राइज होना शुरू हो जाता है। जब प्राइस राइज होता शुरू करते हैं तो वो हायर टॉप हायर बॉटम बनाते हुए ऊपर की तरफ जाते हैं, जिस मार्केट को हम लोग अप ट्रेंड या फिर बुलिश मार्केट भी बोलते हैं। जो लोग उस मार्केट पे भाग लेते हैं उनको हम लोग बुल बोलते हैं। ऊपर जाने के बाद मार्केट डायरेक्शन लेस बन जाता है, जहां पे मार्केट का कोई डायरेक्शन नहीं रहता है, मार्केट एक रेंज एक चौपी में चौपी के अंदर रेंज बाउंड होके बाई या सेल होता है। नीचे की तरफ आता है तो बाई होता है, जो लेवल को हम लोग सपोर्ट बोलते हैं, और ऊपर लेवल पे जाने पे सेल होता है जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। और ये टोटल जो मार्केट है इसको हम लोग रेंज बाउंड बोलते हैं। इनिशियल डेज पे आप रेंज बाउंड मार्केट पे बहुत अच्छी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस को देख सकते हैं। उसके बाद शुरू होता है डाउन ट्रेंड, जहां से डिमांड फॉल होता है और सप्लाई बढ़ जाता है वहां से डाउन ट्रेंड का शुरुआत होता है। डाउन ट्रेंड का शुरुआत होने से हम लोग को लोअर टॉप लोअर बॉटम फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जहां पे हाई पिछले वाला जो हाई था वो अनब्रेकेबल रहता है, पर जो लो था उसको ब्रेक करते हुए प्राइस नीचे की तरफ आता है। यहाँ पे जो लोग भाग लेता है उन लोग को हम लोग बियर बोलते हैं, और डाउन ट्रेंड को हम लोग बियरिश मार्केट भी बोल सकते हैं। और ये टोटल सिनेरियो पे ये एक टोटल चीज को हम लोग एक सर्कल बोल सकते हैं, जहां पे अप ट्रेंड रेंज बाउंड और डाउन ट्रेंड हुआ था। ये रेंज बाउंड को हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन भी बोल सकते हैं। अगर ये रेंज बाउंड मार्केट गिरने के बाद नीचे का लेवल पे होता है तो हम लोग वो लेवल को एक्युमुलेशन बोलते हैं। ये सब चीज के बारे में हम लोग डिटेल्स में एक के बाद एक वीडियो बनाएंगे। अगर एक वीडियो में सब कुछ बता देंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप लोग बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रेंड लाइन के बारे में, सपोर्ट रेजिस्टेंस को और भी अच्छी तरीके से देखेंगे। आज के लिए इतना ही।